नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि UPSSC की तरफ से लगातार परीक्षाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, और सबसे पहले जो परीक्षा का आयोजन होगा वो होगी आपकी PET की परीक्षा, जिसके लिए आपकी जो परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में कितने नंबर पर आपका चयन होगा, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, अगली भर्ती कब आने वाली है, और भी बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आप सभी को देता हूँ। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप UPSSC PET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है बेस्ट बुक, जिसमें आपको मिलेगा डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन, जैसा कि चैप्टर वाइज आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सारी जानकारी जिसे आप अपना बेसिक को तो क्लियर कर ही सकते हैं, साथ में क्वेश्चन के आंसर देने में भी आसानी होगी। इतना ही नहीं, इस बुक की खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आप सभी को मिलता है पूरी जानकारी। इसके अलावा इसमें आपको स्मरणीय तथ्य मिलेंगे, जिससे कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। हजारों की संख्या में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रखे गए हैं, साथ में उन सभी क्वेश्चन की यहाँ पर डिटेल में आप सभी को व्याख्या भी देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस बुक को परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है Amazon और Flipkart का। इन दोनों बुक्स को आप ले सकते हैं ऑफलाइन मार्केट से भी, ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसे में अगर बात की जाए UPSSC PET में, अगर आप एक नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी कि PET में कितने अंक लाने वाले अभ्यर्थी को लेखपाल भर्ती में माना जाएगा पात्र, इसे यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश अगर बात करें, लेखपालों के लगभग 8000 पदों पर भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिए आप सभी को PET परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा लेखपाल भर्ती में बैठने के लिए। ऐसे में अगर आप PET में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको लेखपाल भर्ती या अन्य समूह गा की भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित होने वाली अगर बात करें PET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो मन में हजारों सवाल हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि PET पास करना आवश्यक क्यों है, तो आप सभी जानते हैं कि समूह गा की सभी भर्तियों के लिए PET अनिवार्य है। उसी क्रम में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि PET में कितना स्कोर करने के बाद आप सभी हो सकते हैं लेखपाल भर्ती के अंदर शामिल। लगभग 100 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आप सभी की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार अगर देखें, सीटों की संख्या के आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि PET की परीक्षा के अंदर 67 से 75 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के अंदर शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि इस परीक्षा के लिए 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में आप सभी का जो टारगेट होना चाहिए लगभग 67 से लेकर 75 के बीच में होना चाहिए। लेखपालों के पदों की भर्ती की अगर हम बात करें तो UPSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली लेखपाल भर्ती के लिए जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस बारे में उम्मीद लगाई जा रही है कि UPSSC लेखपाल के लिए लगभग 8000 पदों पर भर्ती निकाल सकता है। लेखपाल भर्ती में शामिल होने वाले अगर बात करें, PET परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, जैसा कि आप सभी को पहले बता दिया गया है। फिलहाल अगर आप सभी PET के अंदर क्वालिफाई करना चाहते हैं और अगली भर्तियों में बैठना चाहते हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए लगभग 75% के आसपास आए, तब आप यहाँ पर 67 और 68 ला सकते हैं, और तभी आप सभी अगली भर्ती के अंदर पात्र माने जाएंगे। रिजर्वेशन के अनुसार ये संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसे में जो भी अपडेट है आप सभी को दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए TGT PGT को लेकर, आज 3 बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही हैं, और 3 बड़ी अपडेट में से एक अपडेट आप सभी के बीच आती है 2016 भर्ती को लेकर। चयन के बाद नियुक्ति के लिए भड़कते हुए दिखाई दे रहे अभ्यर्थी, भले ही चयन बोर्ड 2021 की परीक्षा के अंदर काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन ऐसे में अगर हम समझने का प्रयास करें तो TGT और PGT को लेकर जो पुरानी भर्तियाँ निकाली गई थी अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर चयनित अगर बात करें, TGT प्रवक्ता के लिए नियुक्ति के लिए अभी भी परेशान हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड लंबे समय से अगर बात करें चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र आवंटित करके और साथ में विद्यालय के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक शिक्षा निदेशालय एवं चयन बोर्ड कार्यालय के चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यालयों में पद खाली न होने की वजह से अभ्यर्थी यहाँ परेशान है। मामला ये है कि इनकी तरफ से विद्यालय में भेज दिया गया कि ये एक्स विद्यालय है, जहाँ पर जाकर आप नियुक्ति ले लो, लेकिन उस विद्यालय के अंदर शिक्षकों की संख्या खाली नहीं है, वो कहीं ना कहीं तदर्थ शिक्षकों से भरी है, या जो भी चीज़ें हैं, अब इसको लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं।
लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें टीजीटी को लेकर एक और अपडेट देखने के लिए मिलती है कि नियुक्ति की तिथि से जोड़े जाएंगे तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं। कल देर रात को एक वीडियो बनाकर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि चयन बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 15 मार्च 2021 को प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 15,198 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। साथ ही शिक्षक भर्ती विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना ट्रेजरी वेतन भुगतान होने से लेकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बीच में किए जाने की बात की गई थी। इसके अलावा नीचे आप सभी को ये भी बताया गया था कि जो 16E के अनुसार नियुक्त हुए हैं सिर्फ उन्हीं को भारांक दिया जाएगा, किसी और को भारांक नहीं मिलेगा। ये मैंने कल आकर आप सभी को जानकारी दे दी थी। उसी क्रम में सचिव नवल किशोर की तरफ से बताया गया कि जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अभ्यर्थियों की सेवा अवधि नियुक्ति तिथि से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बीच मानकर आवेदन में संशोधन मान लिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें परीक्षा को लेकर, और भी बहुत सारे सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे थे टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि जिला स्तर की परीक्षा को लेकर तो मंडल स्तर की परीक्षा को लेकर छात्रों का कहना था कि यहाँ पर नकल और धांधली सॉल्वर गैंग जैसी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो फिलहाल अगर हम देखें टीजीटी परीक्षा के अंदर एक बदलाव देखने के लिए मिला है। ये सिर्फ टीजीटी की बात की जा रही है, पीजीटी के लिए नहीं है, और ये टीजीटी 2016 परीक्षा की बात हो रही है जो कि जीव विज्ञान की परीक्षा होनी है। मंडल मुख्यालय पर करवाई जाएगी जीव विज्ञान टीजीटी की परीक्षा, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी। सरकार अगर बात करें भर्ती प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने को लेकर गंभीर है, तो वही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से रफ्तार बढ़ा दी गई है। 2016 की टीजीटी के विज्ञापन अगर बात करें विज्ञान विषय की अगर बात की जाए, तो अभ्यर्थियों के लिए हाई स्कूल में जीव विज्ञान विषय अलग से न होने की वजह से, जैसा कि आपको पता होगा, चयन बोर्ड ने इसके जो भर्ती थी वो रद्द कर दी थी। अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे, वहाँ से जाकर कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर भर्ती कर दो, लेकिन 1.5 साल बाद इन्होंने भर्ती यहाँ पर करने का फैसला लिया है। तो अब ऐसे में समझने का हम प्रयास करें तो 31 जुलाई को इसकी जो परीक्षा की तारीख है वो घोषित कर दी गई है। चयन बोर्ड अगर बात करें, उप सचिव नवल किशोर ने बताया है कि कोरोना को देखते हुए परीक्षा करवाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर केंद्र बनाए जाएंगे, केंद्रों की सूची जल्दी फाइनल करके मंडल मुख्यालय को भेज दी जाएगी, ऐसा कहना है सचिव का। तो ऐसे में यहाँ पर एक बदलाव देखने के लिए मिलता है कि जो टीजीटी की परीक्षा होगी जीव विज्ञान वाली, वो आपको मंडल मुख्यालय पर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा होगी वो आपको जिला स्तर पर देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर चयन बोर्ड की तरफ से लगातार कार्य किया जा रहा है। सचिव के भी बयान जारी हो रहे हैं तो कभी अध्यक्ष के भी बयान जारी किए जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि कौन कौन से स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जिसके बारे में मैंने जानकारी कल देर शाम को आकर आप सभी को दे दी थी। जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ में शेयर कर दिया करें, तो लाइक का बटन अवश्य दबा दिया करें, है ना। वहीं दूसरी तरफ बात करें 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि 97,000 शिक्षक भर्ती का लगातार छात्र तो इंतजार कर ही रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए पूरा दिन उनकी तरफ से समर्पित है। उनका मानना है कि जब तक शिक्षक भर्ती नहीं आ जाती वो बैठेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और ऐसे ही छात्रों की आवश्यकता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाने के लिए, क्योंकि सरकार पिछले 6 महीनों से हो रहे प्रदर्शनों को नज़रअंदाज कर रही है। अगर आप सभी अपने आप को अकेले में खड़ा करके देखें तो सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है कि 97,000 या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब जारी होगी। सिर्फ 69,000 के समय पर उन्होंने कहा था कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं, हम भर्ती करेंगे। कब करेंगे कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। उसी को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से जो प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है, कभी विधान भवन के सामने तो कभी SCERT के सामने। मामला क्या है ये आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। शिक्षक भर्ती को लेकर सोमवार को अभ्यर्थी की तरफ से लगातार प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें विधान भवन के सामने मार्च भी निकाला गया, पुलिस के बीच में धक्का मुक्की भी देखने के लिए मिलती है। निशांतगंज स्थित अगर बात करें बेसिक शिक्षा निदेशालय में सुबह से ही 2016 की BTC अभ्यर्थियों की तरफ से 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग भी देखने के लिए मिली। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, साथ में अगर बात करें पुलिस की तरफ से यहाँ पे जो लाठीचार्ज या प्रदर्शन भी देखने के लिए मिलता है। 5 तारीख के बाद से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की तबीयतें खराब हो गई हैं। प्रदर्शनकारियों को हटाया गया, उसके बाद में अभ्यर्थियों ने विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पुलिस ने लाठियों के भाँज कर इनको तितर बितर कर दिया। इससे पहले निदेशालय से हटाए गए अगर बात करें 2016 के 12,460 भर्ती को लेकर भी ये जानकारी देखने के लिए मिलती है कि शिक्षक भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों ने विधान भवन के सामने
से लेकर बापू भवन तक प्रदर्शन भी किया, उनकी तरफ से मार्च भी निकाला गया, लेकिन इस भर्ती को लेकर तो सरकार पूरे तरीके से डीएक्टिवेट हो चुकी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, वहाँ से फाइनल हो नहीं रहा, डबल बेंच में मामला लगा हुआ, वहाँ से भी फाइनल नहीं हो रहा। अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं, अगर इसमें कोई फैसला हो सकता है तो अभ्यर्थी आपस में मामले को निपटाने का प्रयास करें तो जल्द होगा, अदरवाइज कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत लंबा समय लग जाएगा। सरकार इस भर्ती को करवाने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पुरानी भर्ती थी, सरकार की खुद की भर्ती तो निकाली गई नहीं है, जिससे कि सरकार की केकड़ी होगी। इसी वजह से जो भी अभ्यर्थी 12460 वाले हैं, अगर एक बार सड़कों पर उतर आते तो जल्द आपको यहाँ से बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप सभी देख पाएंगे 79,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं, आरक्षण को लेकर और भी तमाम चीज़ों के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है UPCET के बारे में, यहाँ पे एक बार फिर से तारीखों के अंदर बदलाव कर दिया गया है। जो भी UPCET के अंदर आवेदन करना चाहते हैं 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 2021 की यहाँ पे जो बात है वो की जा रही है। ऐसे में छात्रों के हितों को देखते हुए उनका कहना है कि आवेदन 15 जुलाई तक देखने के लिए मिलेंगे। जो भी संबंधित अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, फिलहाल इसको 6 जुलाई से उठाकर 15 जुलाई कर दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बारे में, साथ ही LT गेट को लेकर। LT गेट शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं, ऐसे में उनकी नियुक्तियां फंस चुकी हैं, मामला आपको देखने के लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने LT गेट शिक्षक भर्ती 2018 पूरी कर ली है, हालांकि पूरी नहीं हुई है। भर्ती में शामिल 15 विषय से अधिकतर अभ्यर्थी को अगर बात की जाए, 245 अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको हाईकोर्ट के आदेशों परीक्षा में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन अब नियुक्ति को लेकर आयु सीमा में उलझ गए हैं। इसके चलते वे फिर से हाईकोर्ट की शरण में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि कोर्ट की तरफ से आयोग की उचित पैरवी न करने का मामला देखने के लिए मिला है। उसी क्रम में सपा शासन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2016 में 9,300 पदों पर मेरिट के आधार पर भर्ती देखने के लिए मिली थी। अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए 2017 के अंदर सरकार बदल जाती है, उसके बाद में 10,768 पदों पर भर्ती हुई थी, 86 पर नहीं थी, और उसके बाद विज्ञापन जारी होता है, तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी 39 साल के थे, उनकी उम्र लगभग 41 साल हो गई। ऐसे में आयोग ने इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया, कोर्ट चले गए तो वहाँ से इनको राहत मिल गई, और उसके बाद में अब इनकी जो नियुक्ति फंस चुकी है। मामला आप सभी देख पाएँ कि कैसे भी ना कैसे करके मामला फंस ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 69,000 के बारे में, 69,000 के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं, नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नियुक्ति पत्र को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार मंत्री जी के आवास को घेराव किया जा रहा है। अब ये मामला संबंधित है त्रुटि संशोधन को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के आवास को घेराव किया है। ये वे अभ्यर्थी हैं जिनका प्राप्तांक ज़्यादा है और साथ में कम है, इनकी काउंसलिंग हो चुकी है, मेरिट के अनुसार जिला भी अलॉट हो चुका है, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों ने बताया वे काफ़ी समय से नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन ने ऑनलाइन आवेदन में जो त्रुटि की गई थी उसमें सुधार का अवसर नहीं दे रहा है। देर तक चले प्रदर्शन के बाद भी जब कोई मिलने नहीं आया तो अभ्यर्थी घर पर वापस लौट गए। ऐसे में लगातार छात्रों की तरफ से जो मांगे वो की जा रही हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन शासन की तरफ से कोई भी आगे की प्रक्रिया देखने के लिए नहीं मिल रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते भी हैं। अभी फिलहाल त्रुटि को लेकर शासन और साथ में अधिकारी पूरी तरीके से मौन है, तो वहीं नियुक्ति को लेकर भी मौन दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।